हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को चालू करते हैं। बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम लोग को कोर्स कवर करना। तो इसमें आपके पांच टॉपिक हैं, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, इसको डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की ग्रेविटी आपको 2 to 3 क्वेश्चन पर नीट आपको मिलते हैं। आपको ऑन एन एवरेज हम लोग को 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और ज़्यादातर आपको इम्यूनिटी से आता है और एड्स से आ सकता है, या ड्रग एल्कोहल अब्यूज से, या फिर कॉमन डिजीज से। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता ही आता, ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक जो है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए बड़ी तेज़ी में। और जैसा कि आपको पता है, पूरा एनसीईआरटी बेस ही हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को ही बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना। हेल्थ कंसीडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर वॉज एम्फेसाइज बाय अर्ली ग्रीक फिलोसफर हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में बोला हेल्थ क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिसमें कि बैलेंस होगा चार तरह के ह्यूमर का। गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस दी थी इन लोगों ने, और अकॉर्डिंग टू द गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस, ह्यूमर का मतलब यहाँ पे ह्यूमरस का मतलब यहाँ पे विट्टी नहीं है, ह्यूमर का मतलब यहाँ पे फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड के बारे में बात हो रही। तो इन्होंने बोला था जी चार तरह के बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनके इम्बैलेंस से डिजीजेज होती हैं। बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस सिस्टम थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बायोलॉजी बताती है कि माइंड इफेक्ट करता है, माइंड इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे हेल्थ को। कैसे, माइंड इन्फ्लुएंस सिस्टम, माइंड इन्फ्लुएंस करता है हमारे सिस्टम को थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करेगा, और न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम इंटरन कंट्रोल करेंगे किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। दस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर बॉडी। तो इस तरह से माइंड और मेंटल स्टेट हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। अवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ जो इफेक्ट हो रही, किससे इफेक्ट हो रही, जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट हो रही, इन्फेक्शन से, लाइफ स्टाइल से। तो प्रॉपर लाइफ स्टाइल जीने बहुत जरूरी है। मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई डिजीज नहीं है, फिजिकल फिट ही है। केवल फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलेगी। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्दी होने का मतलब है कंप्लीट वेलबींग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्टेटस। ये फिजिकली भी फिट हो, मेंटल भी फिट हो, सोशल वेलबींग भी हो, सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द डिजीजेस, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। द गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस, यहाँ से फिर से देखिए बात आ गई, गुड ह्यूमर हाइपोथीसिस दिया। तो उसमें चार तरह के बॉडी में बॉडी फ्लूइड की बात करी गई, ब्लड, फेलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा एयर को, फेलम रिप्रेजेंट कर रहा वाटर को, येलो बाइल रिप्रेजेंट कर रहा फायर को, और ब्लैक बाइल रिप्रेजेंट कर रहा अर्थ को। ये सब आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो ये उन्होंने बोला जी ये चार तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी में चार तरह के फ्लूइड हैं। ब्लैक बाइल अगर ज़्यादा होता है तो पर्सन अग्रेसिव हो जाता है, या कहिए डिजीज हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ पे आइए, हेल्थ का होना क्यों जरूरी है। हेल्दी पर्सन होगा तो वर्क अच्छे से कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, बट नेचुरल है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। इट रिड्यूसेस चाइल्ड एंड मेंटल मोर्टिलिटी। हेल्दी होगा आदमी तो चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी कम होगी, शिशु मृत्यु दर कम होगी, और मातृ मृत्यु दर कम होगी, मैटरनल मोर्टिलिटी कम होगी। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड पर्सनल हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। When the functioning of one or more organs or organ system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we may say that we are not healthy. जब हमारी बॉडी के एक या दो ऑर्गन काम करने अच्छी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहे, सिस्टम इफेक्ट होता है, कुछ संकेत लक्षण आते हैं, साइन सिम्टम आएंगे, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग वेल, मतलब बींग फील नहीं कर रहे, हम लोग वेल फील नहीं कर रहे, हेल्दी फील नहीं कर रहे, तो हम लोग को डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ को हम लोग बांट सकते हैं 3 तरह की कैटेगरी में, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड जेनेटिक डिजीज। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 145 पे आपकी एनसीईआरटी में दिया। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ को कौन इफेक्ट कर रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल इफेक्ट कर रही है हेल्थ को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग आ जाते हैं, देखिए 3 तरह की डिजीजेज की बात हुई। डिजीज को हम लोग बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेज, डिजीजेज विच कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जिसका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, उसको हम लोग इन्फेक्शियस, संक्रामक रोग, संक्रामक, इन्फेक्शियस डिजीजेज बोलते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एड्स, फैटल,
और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी हैं जो घातक हैं, प्राण घातक हैं, डेथ हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल में दीज आर नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगी। कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे आपका फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन MCQ। कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी ऐसी डिजीज है जो मेजर कॉज ऑफ डेथ बनती है। ठीक है जी, तो कैंसर हो गई, कंजेनाइटल डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, दीज आर फाउंड फ्रॉम चाइल्ड बाय बर्थ, चाइल्ड में मिलेगी बाय बर्थ, सिंस बर्थ होगी तो बर्थ से ही उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है माता पिता से, अनुवांशिकी के द्वारा उसमें आ गया। इट इज़ ड्यू टू अल्ट्रेशन इन जीन लेवल, जेनेटिक जीन लेवल में अल्ट्रेशन की वजह से हो सकती डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में कॉमन डिजीज में आइए, कम्युनिकेबल डिजीज सबसे पहले डिजीज हम लोग बैक्टीरिया की डिस्कस करते हैं, टाइफॉइड। कॉजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफाई मोरियम, इसका कॉजेटिव एजेंट है। एंटर्स द बॉडी बाय फीकल ओरल रूट का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल। जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड। फूड आपने गलत सलत खा लिया, कॉन्टामिनेटेड संक्रमित फूड या वाटर का आपने कम अगर कंजम्पशन कर लिया तो ये एंटर हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड, एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में आएगी, ब्लड से अदर तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, तो सिम्टम्स है सस्टेन हाई फीवर, लगातार उच्च बुखार 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, सम ऑफ द कॉमन सिस्टम। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है सीवियर केसेस में। डायग्नोसिस बाय विड्राल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है MCQ। वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। क्लासिकल केस ऑफ मैरी मेलन, निक नेम टाइफॉइड मैरी, इज वर्थ मैंशनिंग हेयर, हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड मैनी ईयर। एक खानसामा थी, शेफ थी, रेस्टोरेंट में काम करती थी, और उससे इन्होंने डिजीजेस अपनी काफ़ी जो इनके कस्टमर थे उनको पहुंची ये डिजीज। ये एक छोटी सी स्लाइड है, इसको आप कर लीजिए, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए और यही सारी बातें रख लीजिएगा। सिम्टम जरूर याद रखिएगा, सिम्टम में सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, ये हो गए आपके टाइफॉइड के सिम्टम। इसी तरह से निमोनिया पे आइए, अदर बैक्टीरियल डिजीज है, कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, कॉजेटिव एजेंट में इनके नाम याद रखिएगा। डिजीज स्प्रेड बाय स्पूटम, बलगम ऑफ द पेशेंट, स्पूटम से हो रही है, उसके थूकने से स्प्रेड हो रहा है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, निमोनिया की वैक्सीन नहीं है। ह्यूमंस इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग, एज अ रिजल्ट द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई आप जानते हैं, एल्वियोलाई की सरफेस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, अब इसमें गुब्बारे में पानी भर गया तो आप समझ रहे हैं कि रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाएगी। इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, एल्वियोलाई लेवल पे होता है, एल्वियोलाई पानी से भर जाते हैं तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। द सिम्टम्स आर फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, फीवर, चिल, कफ, हेडेक, इसके सिम्टम है, उसके सिम्टम याद रखिएगा, इसके सिम्टम याद रखिएगा। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से लीवर, ये हमारे लिप्स और फिंगर नेल्स ग्रे टू ब्लूइश अपीयरेंस देंगे। अ हेल्दी पर्सन में एक्वायर इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट। कॉलेरा पे आइए, आपकी बुक में दे नहीं रखा, कॉजेटिव एजेंट विब्रो कॉलेरी है, ये भी वाया फीकल ओरल रूट है, एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया। पेशेंट स्टार्ट्स पासिंग स्टूल फ्रीक्वेंटली, सिम्टम्स स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, विच आर वाइट लाइक राइस वाटर, तो ये जो चावल का माड़ होती है जैसे सफ़ेद पानी, उस तरह के मतलब स्टूल्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो ये आपका सिम्टम है कॉलेरा का। रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड, पानी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको ORS थेरेपी देनी पड़ेगी, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना पड़ेगा। इसी के साथ बैक्टीरियल डिजीज में डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया भी आती हैं, ब्रोंकाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनस, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक के नहीं है। वायरल डिजीज पे आइए, वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड मैन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सो थ्रोट, हॉरासनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड टू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड का, राइनाइटिस इसको बोल सकते हैं, और राइनो वायरस से हो रहा। पोलियो के लिए अलग से स्लाइड में आपको दूंगा। वायरल हेपेटाइटिस देख लीजिए, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। कॉमनली कॉल्ड जॉन्डिस कहलाता है। वायरल हेपेटाइटिस सिम्टम्स फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, 5 तरह के हैं हेपेटाइटिस ABCDE, और इसमें भी केवल
ये हमारा बी ऐसा है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बाकी का आरएनए। दैट्स इट, थैंक यू।